हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल द सीक्रेट ऑफ इन्वेस्टिंग में। दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से हम लोगों को मार्केट में काफ़ी ज़्यादा अनसर्टेनिटी देखने को मिल रही है, काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव सेंटीमेंट है यहाँ पे। तो फिर आप लोगों को, ज़्यादातर लोगों के पोर्टफोलियो जो है वो लगातार आपको गिरते हुए दिखाई दे रहा है। लेकिन दोस्तों, अगर आप लोग ने अपने पोर्टफोलियो में वैल्यू बाइंग करी हुई है, कंसिस्टेंट कंपाउंडर को पिक करके रखा हुआ है, जो बहुत ही बढ़िया ग्रोथ दिखाने वाली कंपनियां हैं उनको पिक करके रखा हुआ, तो दोस्तों आप लोगों को यहाँ पे घबराने की कोई भी बात नहीं है। क्योंकि मार्केट में आप लोगों को हमेशा ही देखने को मिलता है कि उतार चढ़ाव लगे रहते हैं, लेकिन अंत में पैसा वही बनाता है जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करता है और अपने पोर्टफोलियो को ज्यादा से ज्यादा टाइम तक होल्ड करता है पेशेंसफुली। तो दोस्तों, मार्केट में आप लोग पेशेंस रखिए। जब भी मार्केट यहां पे गिरे तो आप लोगों को बॉटम के लेवल पे एवरेजिंग करनी है, खरीदारी करनी है, ताकि आप लोगों की जो आने वाली टाइम की जो ग्रोथ हो वो काफी तेजी से बढ़ सके। दोस्तों, यहां पे हम लोग एक ऐसे ही स्टॉक के बारे में बातचीत करने वाले हैं जो आने वाले टाइम में आपको बहुत बढ़िया वेल्थ बना के दिखा सकता है, जिसका नाम है हैप्पीएस्ट माइंड टेक्नोलॉजी लिमिटेड। यहां दोस्तों आईटी सेक्टर की बहुत ही ग्रोइंग कंपनी है, रिसेंटली मार्केट में लिस्ट हुई है। सबसे पहले अगर हम लोग इसके बिजनेस के बारे में बात कर लें तो दोस्तों, सबसे पहले अगर आईटी सेक्टर का नाम आता है तो हम लोगों को पता है जो मतलब होता है वो केवल यही होता है कि सर्विस प्रोवाइड करती होगी या नए नए ऐप्स मैन्युफैक्चरिंग करती होगी या हैप्पीएस्ट टेक्नोलॉजी का कोई ऐप होगा जिसके चलते वो पैसे कमाती होगी। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं होता है। कंपनियां बहुत तरीके के कामकाज करती हैं, इनके पास बहुत सारा काम होता है जिनसे ये पैसे कमाती हैं। अब बेसिकली अगर हम लोग हैप्पीएस्ट माइंड की बात करें तो आप लोगों को काफ़ी सारी सर्विसेज प्रोवाइड करती हुई ये कंपनी दिखाई देती है, जैसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में ये कंपनी बहुत ही ज़्यादा आगे है, काफ़ी ज़्यादा हाई टेक्नोलॉजी के साथ आपको ये कंपनी ग्रो करती हुई नज़र आ रही है। ब्लॉकचेन, कंपाउंड, क्लाउड कंप्यूटिंग, ड्रोन्स वगैरह जो मैन्युफैक्चरिंग करते हैं उनमें भी इनकी टेक्नोलॉजी कामकाज करती हुई नज़र आ रही है। साथ ही साथ सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए आप लोगों को जो भी चीज़ें यूज़ होती हैं, जैसे कि हम लोग यूट्यूब पे कोई भी चीज़ वॉच करते हैं या फिर हम लोग जीमेल लॉगिन आईडी करते हैं, कुछ भी करते हैं, हर चीज़ में हम लोगों को सिक्योरिटी की ज़रूरत पड़ती है, तो ये कंपनी वहाँ पे भी आप लोगों को थोड़ी बहुत सर्विस प्रोवाइड करती हुई नज़र आती है। अगर हम लोग इसकी बात करें तो ना ही केवल इंडिया में बल्कि बहुत जगह इस ऑपरेट करती है काफ़ी सारी चीज़ें, जैसे कि यूएस हो गया, यूके हो गया, कैनेडा हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, मिडिल ईस्ट हो गया, काफ़ी जगह ये अपना ऑपरेशंस प्रोवाइड करती है। साथ ही साथ इसका जो आप लोगों को देखने को मिलेगा किन किन जगह टेक्नोलॉजी यूज़ होती है, उसमें आप लोगों को देखने को मिलेगा ऑटोमोटिव सेक्टर में काफ़ी ज़्यादा टेक्नोलॉजी इसकी यूज़ होती है, साथ ही साथ कंज्यूमर गुड पैकेजिंग्स में, ई कॉमर्स बिजनेस में, ई एजुकेशंस में आप लोगों को देखने को मिलेगा, मैन्युफैक्चरिंग एंड रिटेल, ट्रैवल, हॉस्पिटलिटी वाले बिजनेस में काफ़ी ज़्यादा इसकी टेक्नोलॉजी यूज़ होती है। तो मतलब कि आप लोगों को देखने को मिलेगा काफ़ी सारे सेक्टर ये चीज़ एक्वायर करती है। तो डेफिनेटली कंपनी का बिजनेस जो है वो लॉन्ग लास्टिंग है और आने वाले टाइम में ये टेक्नोलॉजी लगातार ग्रो करती रहेगी और जिसके चलते ये कंपनी काफ़ी ज़्यादा मुनाफा कमाती रहेगी। अगर हम लोग रिसेंटली बात करें तो लास्ट ट्रेडिंग सेशन में आप लोग देख रहे हैं 5% के आसपास की यहाँ पे तेज़ी दर्ज होती हुई नजर आई और यह हम लोगों को एक इशारा दे रही है कि यहाँ से ये तेजी कंटिन्यू हो सकती है। क्योंकि जब से मार्केट में लिस्टिंग हुई थी इसकी वन वे रैली से स्टॉक ने दिखाई थी 2020 में लिस्टिंग 18 सितंबर को और आप लोग देख सकते हैं 256% रिटर्न, मतलब कि वन वे रैली आपको यहाँ पे इस स्टॉक ने दिखा दी। तो जब कोई स्टॉक वन वे भागता है दोस्तों, उसमें आपको देखने को मिलता है थोड़े समय के लिए कंसोलिडेशन फेस चलता है या फिर थोड़े दिनों में उसमें गिरावट आके रिकवरी आती है। दोस्तों यही कुछ इसके स्टॉक के साथ भी होता हुआ नजर आ रहा है, देख सकते हैं पिछले कुछ दिनों से यहाँ पे कंसोलिडेशन फेस जारी है। 1600 का स्टॉक देख सकते हैं, 1580, 1600 का स्टॉक अभी भी आपको 1300, 1200 के लेवल पे ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है, तो बहुत ही नीचे के लेवल पे है। क्योंकि ये स्टॉक में ज्यादा बड़ा करेक्शन दोस्तों आने नहीं वाला है, आईटी सेक्टर है, बहुत ही ज्यादा हॉट इंडस्ट्री है, ये वैल्यू बाइंग होती है। तो दोस्तों जैसे ही इन स्टॉक्स में गिरावट आती है वैसे ही बड़े बड़े इन्वेस्टर, बड़े बड़े ब्रोकरेज हाउसेस यहाँ पे नीचे के लेवल पे इस स्टॉक को बाय कर लेते हैं। इसीलिए आप लोगों को यहाँ पे रिकमेंडेशन दी जाती है कि ऐसे स्टॉक को कभी भी छोड़िए नहीं, जब भी ये स्टॉक नीचे के लेवल पे मिले जरूर आप लोगों को बाइंग कर लेनी चाहिए। एक बार फंडामेंटल पे अगर हम लोग नजर डालें तो दोस्तों आप लोगों को पता है जो कंपनी पिछले 5 सालों में 115% के सीएजीआर से प्रॉफिट बढ़ा रही है वो कंपनी आने वाले टाइम में कभी भी लॉस मेकिंग नहीं हो सकती। क्योंकि आप लोग देख सकते हैं कि कंपनी का जो प्रॉफिट है वो रिसेंटली इतनी तेजी से बढ़ा है, कंपनी का बिजनेस वो इतनी तेजी से एक्वायर हुआ है कि आप लोग सोच नहीं सकते। कंपनी नई नई जब ओपन हुई थी, ज्यादा टाइम नहीं हुआ इसको आप लोगों को देखने को मिलेगा ओपन हुए, लेकिन यहाँ पे कंपनी जो थी पहले लॉस मेकिंग थी, कंपनी को लॉस हो जाता था। हम लोगों को पता है दोस्तों टेक्नोलॉजी सेक्टर में काफ़ी ज़्यादा आप लोगों को यहाँ पे फंड की ज़रूरत पड़ती है और ऐसा नहीं है कि आपने आज या कोई ऐप बनाया या कोई टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करने लगे तो तुरंत उसका आप लोगों को यहाँ पे बेनिफिट होने लगेगा, ऐसा भी नहीं होता है। तो इन लोगों को भी थोड़ा टाइम लगा, आप लोग देख सकते हैं काफ़ी साल इन लोगों ने दिए इनके बिजनेस को ग्रो करने के लिए, लेकिन अब ये बिजनेस जो है स्टेबल हो चुका है और आप लोग देख सकते हैं कितनी तेज़ी से यहाँ कंपनी जो है प्रॉफिट बढ़ा रही है। 2019 में 4 करोड़ का प्रॉफिट, उसके बाद 73 करोड़, फिर 162 करोड़ और ट्रेडिंग 12 मंथ में 159 करोड़ का प्रॉफिट, मतलब कि
कंपनी को प्रॉफिट होना स्टार्ट हो चुका है, कंपनी की सेल्स होना बहुत ही तेजी से ग्रो हो चुकी है, कंपनी एक्सपेंड करने लगी है और ये कंपनी अब यहाँ से बहुत ही रॉकेट तेजी दिखा सकती है। देख सकते हैं रिटर्न इक्विटी कंपनी की बहुत ही शानदार है, 27% पिछले 3 सालों से, 49% पिछले लास्ट ईयर, 40% के आसपास की अर्निंग पर शेयर लगातार कंपनी का बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बढ़ रहा है, क्वार्टरली रिजल्ट कंपनी के बहुत ही शानदार आ रहे हैं। देख सकते हैं सितंबर क्वार्टर में 44 करोड़ के आसपास का कंपनी का प्रॉफिट था, जो कि लास्ट क्वार्टर से लगभग 30% के आसपास के यहाँ पे आप लोगों को प्रॉफिट में जंप देखने को मिला। और लास्ट ईयर से भी देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा अच्छी खासी कंपनी ने प्रॉफिट में जंप दिखाई है। तो दोस्तों ये चीज़ हम लोगों को इशारा करती है कि ये कंपनी लॉन्ग टर्म में आप लोगों को बहुत बढ़िया मुनाफा कमा के दिखाने वाली है। अगर आप लोग एक शॉर्ट टर्म निवेशक हैं तो भी दोस्तों आप लोगों को यहाँ पर क्लियरली दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ से तेजी स्टार्ट होती हुई नजर आ सकती है, क्योंकि पिछले 3-4 ट्रेडिंग सेशन से लगातार जो स्टॉक है वो आपको अप ट्रेंड दिखाता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पे जो फेज है वो थोड़ा बहुत हम लोगों को देखने को मिल रहा है कि चेंज हो रहा है, यहाँ पे ट्रेंड जो है चेंज होता हुआ नजर आ रहा है। अब आने वाले टाइम में मंडे को या फिर ट्यूसडे को यहाँ पे जो मार्केट में नेगेटिव सेंटीमेंट दिखाई दे रहा है हम लोगों को कोविड थर्ड वेव के लिए, अगर वो कैरी ऑन होता है तो दोस्तों सारे ही स्टॉक में यहाँ पे गिरावट कंटिन्यू रहने वाली है। वरना अगर आपको निफ्टी थोड़ी बहुत संभलती हुई नजर आई, मार्केट में थोड़ी बहुत यहाँ पे बाइंग होती हुई नजर आई, तो ये स्टॉक आपको यहाँ से काफ़ी अच्छी खासी रैली दिखाता हुआ नजर आ सकता है। और अगर आप लोग एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो दोस्तों जरूर इस स्टॉक को होल्ड करके चल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे अभी कुछ ज़्यादा गिरावट नहीं आई है। अगर आपने ऊपर के लेवल पे ले लिया है तो भी दोस्तों कोई भी यहाँ पे घबराने की बात नहीं है, आप थोड़ा बहुत समय दीजिए। हम लोगों को पता है दोस्तों जब भी आप लोग कोई भी वीडियो देखते होंगे तो वहाँ पे सारे यूट्यूबर यही बताते होंगे कि कोई सी भी स्टॉक को अगर आपने ऊपर के लेवल पे ले लिया तो आप लोग होल्ड कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों इस स्टॉक को होल्ड करने के बहुत सारे रीज़न हैं, इसलिए आपको मैं रिकमेंड कर रहा हूँ कि इस स्टॉक को आप लोग होल्ड करके चल सकते हैं, क्योंकि आने वाले 2-3 सालों में दोस्तों ये स्टॉक आपको 1200 के लेवल पर नहीं मिलने वाला, 5-6 हज़ार के लेवल पर मिलने वाला है। इसीलिए जितना टाइम आप लोग इस स्टॉक को दोगे उतना ही अच्छे खासे रिटर्न आप लोग इस स्टॉक से कमा सकते हैं। तो यहाँ पे आप लोगों को बहुत अच्छा मौका मिला है, अगर ये स्टॉक थोड़ा बहुत और गिरता है 10-12% तो दोस्तों जरूर आप लोगों को अपने पोर्टफोलियो में ऐड करने की कोशिश करनी चाहिए। बस इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल पर फर्स्ट टाइम हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।